तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता हो गया होगा कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के तहत यहाँ पर सभी व्यक्ति को यहाँ पर 60,000 रुपये यहाँ पर सहायता राशि मिलने वाला है। तो 60,000 सहायता राशि आपको कैसे मिलेगा और किन किन व्यक्ति को मिलेगा और साथ ही साथ में उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, इसमें मैं आपको कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मन में किसी भी तरह का अगर सवाल होगा इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हूँ, ये जल्दी का कल का नोटिफिकेशन था, ये डाउनलोड मैं किया हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, यानी कि मुख्यमंत्री क्रय योजना यानी कुछ खरीदने का यहाँ पर बात किया जा रहा है वास के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवास योजना के वास स्थल विहीन लाभुकों को वास भूमि क्रय में सहायता प्रदान करने हैं तो मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत 60,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि वैसा व्यक्ति जिनके पास खेत एक भी ठोप नहीं हो और वो बिहार के निवासी है तो उनको यहाँ पर कुछ ज़मीन खरीदने के लिए उनको 60,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ पर बताया गया कि योजना हेतु अर्हता यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना या ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल वास स्थल विहीन परिवार, दूसरा में यहाँ पर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विस्थापन के कारण वास स्थल विहीन हो चुके परिवार है कि और यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया कैसे कैसे है इसके बाद मैं बताऊँगा आपको डॉक्यूमेंट के बारे में क्या क्या लगेगा और किनको किनको मिलेगा। यहाँ पर बताया गया कि अर्हता प्राप्त परिवार विहीन प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेज के साथ आवेदन करेंगे। पहला, आवेदन के पास वास भूमि का स्वामित्व यानी कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं होने संबंधी निर्धारित पत्र की मूल प्रति देना होगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड देना होगा कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आधार कार्ड की प्रति इकाई सहमति के साथ उनकी निहित सूचनाओं का उपयोग इस योजना के किया जा सके, आधार कार्ड देना होगा। दूसरा, आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाता के पासबुक की स्व अभी प्रमाणित करनी होगी, यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा आधार कार्ड और बैंक पासबुक के दोनों। ऊपर वर्णित तथा दस्तावेज जमा कर पावती आवास से प्राप्त करेंगे, यानी कि जो आपको रिसीविंग होगा उसको आपको प्राप्त करना होगा। मैं इसमें आपको कंप्लीट जानकारी भी और डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट और क्या क्या होने वाले इसमें संक्षिप्त में बताया गया है। आवेदन से संबंधित अन्य आवश्यकताएं, जैसे जिस ग्राम पंचायत की प्रतीक्षा सूची लाभुकों का नाम है उसके द्वारा क्रय किए जाने हेतु वास भूमि का चयनित पंचायत में किया जाएगा। सहायता राशि प्राप्त करने में 3 माह के भीतर लाभुक द्वारा वास क्रय भूमि दस्तावेज प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यानी जब आप ज़मीन खरीदेंगे उससे 3 महीना के अंदर आपको डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा प्रखंड पदाधिकारी के पास। 60,000 रुपये तक के वास भूमि में क्रय हेतु 50 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी एवं 50 रुपये का निबंधन शुल्क निर्धारित किया गया है, उसमें स्टाम्प वहाँ लगाना होगा। इसमें यहाँ पर बताया गया कि अधिक जानकारी के लिए प्रखंड पदाधिकारी विकास आयुक्त कार्यालय में संपर्क करें, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, यहाँ पर दिया गया कॉन्टैक्ट डिटेल, इसे बात करके आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। और मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाने वाला कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए उससे जुड़ी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए बताया गया कि आवेदक का आधार कार्ड, आवेदनकर्ता के पास भूमि नहीं होने चाहिए, स्वामित्व संबंध व घोषणा शपथ पत्र की मूल प्रति होनी चाहिए, पैन कार्ड, बिहार राज्य का मूल निवासी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाता पासबुक जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो और उसी स्वयं अभिप्राप्ति छाया प्रति यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसको इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वोटर आई डी कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, बिहार राज्य का राशन कार्ड और चालू मोबाइल नंबर एक होना चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल रहेगा तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप ये नहीं कि ज़मीन आप थोड़ा सा ही खरीदेंगे 60,000 तक आप खरीद सकते, नहीं, आपके पास जितना पैसा है आप जितना ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ मिनिमम आपको कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन खरीदना होगा। आप 5 डिसमिल कम से कम खरीदेंगे तभी आपको यहाँ पर इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप 5 डिसमिल से अधिक भी ज़मीन खरीदेंगे तो भी आपको यानी कि मैक्सिमम आपको 60,000 रुपये तक आपको यहाँ पर योजना का लाभ दिया जाएगा। यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मन में किसी भी तरह का भी अगर सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।